डुमरी उपचुनाव के चुनावी दौरे में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास डुमरी पहुंचे, जहां इन्होंने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर बरसते हुए कहा कि देश के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री में कोई है तो वह है हेमंत सोरेन, क्योंकि इन्होंने चुनाव के दौरान झारखंड की जनता से अबुआ राज की स्थापना के नाम पर जो जो वादा किया था उसने एक भी नहीं निभाया है। जनता से हेमंत सोरेन ने वादा खिलाफी करते हुए अवैध रूप से अपनी संपत्ति अर्जित करने में ज्यादा ध्यान दिया। परिणाम स्वरूप जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो ईडी के डर से सुप्रीम कोर्ट के शरण में चले गए। अगर उन्होंने चोरी नहीं किया होता तो खुद ईडी को मुंह तोड़ जवाब देते। उन्होंने कहा कि आज जो भी नियुक्तियां दी जा रही है हमारे डबल इंजन की सरकार के समय की ही देन है। हमारी सरकार ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया तथा झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया, जिसके कारण आज ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पीने की शुद्ध पानी मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चार वर्षों में झारखंड के नौजवानों को छलने का काम किया, क्योंकि एक भी नौकरी का विज्ञापन इनके द्वारा नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में विकास का काम हेमंत सोरेन की सरकार ने की होती तो आज इस डुमरी उपचुनाव में पूरा कैबिनेट बेबी देवी के पक्ष में प्रचार नहीं करती और ना ही डुमरी में नेताओं और मंत्रियों का डेरा डंडा लगता। इससे साफ है कि हेमंत सोरेन इस डुमरी उपचुनाव को लेकर डरा हुआ है। उस डबल इंजन की सरकार में जो हमारी नारी शक्ति है, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो, हमारी सरकार देश का पहला राज था जहां 50 लाख की संपत्ति में हमारी बहन के नाम पर कोई रजिस्ट्री होगा तो मात्र 1 रुपये में रजिस्ट्री होगा। डबल इंजन की सरकार होने से डबल बेनिफिट मिलता है। प्रधानमंत्री जी गैस सिलेंडर दिए, डबल इंजन की सरकार होने से हमने चूल्हा देने का काम किया और एक सिलेंडर नहीं डबल सिलेंडर देने का भी काम ये डबल इंजन की मजबूत सरकार ने। वर्तमान सरकार आई, 1 रुपये का जो महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री था उसको बंद कर दिया। वर्तमान सरकार आई, गैस सिलेंडर चूल्हा देना बंद कर दिया। और मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं और आपको इस गिरिडीह, इस डुमरी के विधानसभा में जनता को ये बताना चाहिए कि 2019 के विधानसभा चुनाव में झूठे लोग लुभाने वादे के साथ जनता ने आपको जनादेश दिया था। उस जनादेश में आपने जनता से वादा किया था कि अबुआ राज बनाओ, हम हर गरीब महिला को 2000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। अब बताओ 4 साल इस सरकार को होने जा रहे हैं, चूल्हा खर्चा किसी को मिला? ये वादा खिलाफी सरकार है कि नहीं है कि नहीं? इसका बदला आपको 5 सितंबर, उस दिन शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर को ये जो 2000 रुपया हर गरीब बहन पहला का खाने का काम ये हेमंत सरकार किया, केला छाप में वोट डालकर अपना आक्रोश को सरकार के पास व्यक्त करना है। बरगंडा रोड में गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कोलकाता फर्नीचर, जहां अल्टीमेट टर्किश मॉडल और डिजाइनर फर्नीचर का हेवी कलेक्शन मौजूद है। जी हां, यहां बेड, दीवान, सोफा, कॉर्नर सोफा, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब वगैरह के डिजाइनर प्रोडक्ट उपलब्ध है। यहां बहुत ही कुशल कारीगरों द्वारा शानदार डिजाइन की फर्नीचर तैयार करवाई जाती है। यहां ओपनिंग ऑफर के तहत 20% का हेवी डिस्काउंट दिया जा रहा है। लगन के मौके पर अपने पसंद के फर्नीचर की करें जमकर खरीदारी। यहां बजाज फाइनेंस और HDB फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, कोलकाता फर्नीचर, गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट, बरगंडा रोड, गिरिडीह।